डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं भरने देंगे। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये शब्द है असदुद्दीन ओवैसी के, जिन्होंने एसटी हसन पर तंज कसा है या सीधे तौर पर बताने की कोशिश की है कि हमने आपको पहले ही समझाया था आपका टिकट कटने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सियासी पारा हाई है। हर एक राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने की कोशिश में है। अब इसी बीच AIMIM के चीफ ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अखिलेश जैसा नेता मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहता है। उनका दावा है कि उन्होंने एसटी हसन को पहले ही कह दिया था कि उनका लोकसभा टिकट कटेगा। हमने आपको उनका ट्वीट पढ़ाया, उसमें भी साफ तौर पर ओवैसी ने जिक्र किया है कि एसटी हसन साहब आपका टिकट कटने वाला है। अब इस मामले पर खुद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, जरा इन्हें भी सुनिए। देखिए, वो तो पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा है और वहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर आ गया, तो जाहिर सी बात है हमारा पेपर तो निरस्त हो गई, सिंबल निरस्त हुआ, पेपर निरस्त नहीं। अब क्या स्ट्रेटर्जी होगी सांसद जी आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा, मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पर प्रचार करूँगा। जो प्रत्याशी अब जैसे पार्टी ने सिंबल दिया है जिनको, वो उनको उनको सपोर्ट करेंगे, उनके समर्थन में प्रचार करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं, प्राणखानियाँ करी हैं, दरगाहों पे हाजिरी मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। तो क्या लगता है, इस पूरी जो रामपुर में भी इसी तरीके से हुआ है, रामपुर में भी दो प्रत्याशी द्वारा नामांकन अभी किया है, स्कूटनी वहाँ चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नामांकन कराए, अब ये तो उन्होंने तो इंडिपेंडेंट नामांकन कराए, पार्टी ने जिसको उतारा है वो तो प्रत्याशी पार्टी का भी हो गई। तो क्या इसमें दूसरी तरीके से आजम खान साहब का भी नाम आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आजम खान साहब भी रुष्ट थे, जिस वजह से ये सब किया गया है, उनके सब बातचीत का असर है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्म कुछ भी नहीं है कि आजम खान साहब को खुश करने के लिए यहाँ पर मुरादाबाद में उनकी कैंडिडेट को भेज दिया गया, लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मुस्लिम्स के साथ क्या मानते हैं कि टिकट कटने के बाद लोगों के लिए, आपके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे लगातार, लोग्स भी हम देखें यहाँ बैठे हुए हैं, तो कितनी बड़ी इस मिशन को दिक्कत हुई है? आप संसद में भी लगातार बोलते आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से पूरी जगहों से, इलाहाबाद से लेके और सहारनपुर तक मेरे पास फोन भी आ रहे हैं लोगों के, इवन कलकत्ता से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, लोगों को धक्का पहुंचा है। मैंने मुस्लिम सियासत, क्या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम सियासत ही कर रहा हूँ, मैं मुसलमान क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉर्चर्ड है, उसकी आवाज़ उठाता हूँ, उसकी इंसाफ की बात करता हूँ, और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू भाई हो, जहाँ पे भी कोई टॉर्चर होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ।